2 अक्टूबर हमारे राष्ट्र के लिए इस दिन का क्या महत्व है, इसे बच्चा बच्चा जानता है। महात्मा गांधी के विचार ने पूरी दुनिया को प्रेरित किया है। पूज्य बापू लोक संग्राहक थे। लोगों से जुड़ जाना और उन्हें जोड़ लेना बापू की विशेषता थी। उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को यह अनुभव कराया कि वह देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण और नितांत आवश्यक है। अपने हकों के लिए लड़ना सत्याग्रह का मार्ग महात्मा गांधी ने विश्व को दिखाया। महात्मा गांधी ने जो विचार दिए अपने जीवन की कसौटी पर कसकर के दिए। स्वतंत्रता संग्राम में उनका सबसे बड़ा योगदान ये रहा कि उन्होंने इसे एक व्यापक जन आंदोलन बना दिया। गांधी जी ने कहा था, जो सबसे गरीब और कमजोर आदमी तुमने देखा उसकी शक्ल याद करो और अपने दिल से पूछो कि जो कदम उठाने का तुम विचार कर रहे हो वह उस आदमी के लिए कितना उपयोगी होगा। क्या हम कुछ भी खरीदारी के लिए जाएं तो पल भर के लिए पूज्य बापू को स्मरण कर सकते हैं? क्या हम खरीदारी करते समय सोच सकते हैं कि मैं जो चीज खरीद रहा हूं उससे मेरे देश के किस नागरिक का लाभ होगा, किसके चेहरे पर खुशी आएगी? गांधी 150 जब मनाते हैं तब हम जरूर देखें कि हमारी हर खरीदी में किसी न किसी देशवासी का भला होना चाहिए, और उसमें भी जिसने अपना पसीना बहाया है, जिसने अपने पैसे लगाए हैं, जिसने अपनी प्रतिभा खपाई है, उन सबको कुछ न कुछ लाभ होना चाहिए। मुझे विश्वास है कि जो सबसे गरीब और कमजोर आदमी, उसके जीवन में आपका एक छोटा सा कदम बहुत बड़ा परिणाम ला सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, जब गांधी जी ने कहा था कि सफाई करोगे तो स्वतंत्रता मिलेगी, शायद उनको मालूम भी नहीं होगा कि कैसे होगा, पर यह हुआ, भारत को स्वतंत्रता मिली। इसी तरह आज हमको लग सकता है कि मेरे इस छोटे से कार्य से भी मेरे देश की आर्थिक उन्नति में, आर्थिक सशक्तिकरण में, गरीब को गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ने की ताकत देने में मेरा बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। और मैं समझता हूं कि आज के युग की यही सच्ची देशभक्ति है, यही पूज्य बापू को कार्यांजलि है।